हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका सबसे पहले परिचय करा दें। टीमलीज डिजिटल में स्पेशलाइज स्टाफिंग के हेड सुनील चमन कोटल साहब हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत ही हैरान करने वाली ये खबर है, इसलिए क्योंकि आईटी कंपनी एक समय पर एक ड्रीम स्पेस माना जाता है कि आईटी में नौकरी लगे, वो भी इंफोसिस या फिर टीसीएस जैसे कंपनी में। अशांक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका भी स्वागत करते हैं। मैस्टेक के वाइस चेयरमैन और एमडी है अशांक देसा। अशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं हम आज के शो में, क्योंकि मैं सुनील जी से ये जानना चाह रही थी कि आईटी कंपनी से लोगों का नौकरी छोड़ना, टीसीएस से इन्फोसिस से 17-27% तक अट्रिशन रेट देखी गई है, और टीमलेज ने खुद भी ये जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट में भी अट्रिशन रेट को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया था, एक अलार्मिंग रेट सामने आई थी। लोग आईटी स्पेस से नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी? स्पेस पे नौकरी नहीं छोड़ रहे, आईटी में काफी नौकरियां अभी नौकरियों की लाइन लग चुकी है और नई नई टेक्नोलॉजी का नौकरी लग गया है। तो ये दो जो दिग्गज है, इंफोसिस और टीसीएस, इनमें जो एम्प्लॉयज है वो लगभग 18% टोटल आईटी वर्कफोर्स इस कंपनी में काम करते थे और काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन लोग ट्रेन करते हैं और काफी टेक्नोलॉजी जैसे ही आता है वो लोग ट्रेनिंग भी इंटरनली देते हैं, तो ये एक तरह से कोचिंग ग्राउंड बन जाता है। जो नए नए आईटी कंपनियां आ रहे हैं और आजकल के जो भी स्टार्टअप्स है, सब कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज है, वहां पे लोगों की काफी जरूरत है, तो यहाँ से हायर किया जाता है। और जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में जो एक्सपैंड हो रही है उसमें भी काफी रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ से ट्रेन्ड रिसोर्सेस मिल जाता है उनको, इसीलिए इधर से उधर हो जाता है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहे लोग, कंपनियां बदल रहे हैं। ओके, वो मैं वही समझना चाह रही हूं कि आईटी स्पेस से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं सुनील जी, वो आईटी स्पेस के अंदर रहते ही कंपनियां बदल रहे हैं। ये जो शफलिंग हो रही है अशांक जी, इसके बारे में आपसे जानना मैं चाहती हूं कि इन्फोसिस या टीसीएस है वो लीडिंग कंपनीज मानी जाती है आईटी स्पेस में। यहां पर अगर टीसीएस से कोई आईटी स्पेस में कहीं और जा रहा है, इन्फोसिस से कहीं और जा रहा है, दैट मीन्स आपको नए टैलेंट की भर्ती करनी पड़ेगी। अब मानिए एक एक्सपीरियंस्ड कोई एम्प्लॉय है, वो चला जाता है, उसकी जगह आपको भर्ती करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनीज रखने पड़ेंगे या न्यू स्टाफ रखना पड़ेगा। टैलेंट इतना है आईटी स्पेस में उस जो खाली स्थान हुआ है उसको पूरा करने के लिए? देखिए, अभी बात ऐसी है कि डिजिटल कोविड कॉम्बिनेशन जो था, इसकी वजह से डिमांड कितना बढ़ गया है कि डिमांड फुलफिलमेंट करने के लिए हर कंपनी के पास आदमी नहीं है, तो हर कंपनियां मैक्सिमली ट्राई टू गेट पीपल फ्रॉम लेटरल, जिसको हम बोलते हैं, यानी दूसरी कंपनियों से यहाँ ज्वाइन करते हैं, इसलिए एट्रिशन रेट बढ़ गया है। तो अभी बात ऐसी है कि आईटी कंपनी का, सब आईटी इंडस्ट्री का भी स्टेटस ऐसा है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनी इंटर्न्स हायर करते हैं। हमारा इंटर्न लगता है, इंटर्न हायर करने का रेट कम हुआ था 3-4-5 बरस पहले, वो फिर से बढ़ने लगा है, और अभी हम नए टैलेंट पे डिपेंड करते हैं कि उनको ट्रेन फास्ट करके, हमारी डिमांड है वो आगे बढ़े। हमारी कंपनी में ही मास्टेक में रिफॉर्म ने 2-3 गुना ज्यादा बढ़ाया है इंटर्न्स, तो स्ट्रेटेजी अभी है वो इंटर्न ट्रेनिंग की है ज्यादा। एट्रिशन चलते रहेगा, जब तक डिमांड है तब तक बढ़ते रहेगा, मगर होगा ऐसा कि एक इंटर्न का पाइपलाइन फिल हो गया तो इसमें थोड़ा कम एट्रिशन होने की आशा है, क्योंकि फिर लोगों को पाइपलाइन फिल करने के लिए टाइम मिलेगा और वो दूसरी कंपनियों से हायर करने नहीं जाएंगे जितना आप जा रहे हैं। ओके, सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये मतलब ये जो इन्फोसिस और जो टीसीएस ने जो अपने रिजल्ट्स अभी अनाउंस किए हैं
उसमें अट्रिशन रेट को लेकर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि समझना जरूरी है, जैसा आपने बताया कि आईटी स्पेस के अंदर ही शफलिंग हो रही है, लोग नौकरी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, मतलब आईटी स्पेस से छोड़कर कोई नहीं जा रहा है। पर पोस्ट कोविड क्या हम ये माने कि लोगों में वर्क कल्चर को लेकर जो एक रवैया था वो बदला है, जो एक हाइब्रिड कल्चर हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम भी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की, उसमें भी बदलाव हुआ है, स्किल सेट और ज्यादा जरूरत है क्योंकि आईटी स्पेस अपने आप में एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है, वो भी एक वजह है। क्या ये हम माने कि कोविड के बाद आईटी स्पेस भी बदला है हाइब्रिड कल्चर की वजह से भी, और साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए किसी को काम करने की उसकी वजह से भी शफलिंग बहुत ज्यादा हो रही है? तो इसमें दो तीन कारण है। एक तो आपने सही बोला, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कोविड आने के बाद सब लोगों को अपना अपना यू नो लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सोचने लग गए कि हम 9 to 9 नहीं काम करेंगे, हम बीच में थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, या फिर हमेशा ऑफिस से नहीं काम करना चाहिए, बाहर से काम करना चाहिए। लेकिन ये 100% तो नहीं होगा, लेकिन सभी आईटी कंपनियां इंक्लूडिंग इंफोसिस और टीसीएस, उन लोगों ने ऑलरेडी कह चुका है कि वो लोग हाइब्रिड वर्क कल्चर ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं और काफी जगह पे कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी फैसिलिटी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो एक है। दूसरा है कि जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में अभी, वो काफी ज्यादा है। जैसे स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशंस जो है, टीसीएस और इंफोसिस, काफी सालों से इस इंडस्ट्री में है और उनका एक स्टैंडर्ड सैलरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब स्टार्टअप्स या कोई नई कंपनी आती है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर काफी फ्लेक्सिबल होता है। उसमें आपको ईसॉप्स मिलता है और कुछ ज्वाइनिंग बोनस मिलते हैं, एंड प्लस यू हैव अ सैलरी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है। उनकी वजह से काफी लोग वहां जाने, यहां से छोड़ के वहां जाते हैं और कुछ कुछ कंपनियां में अच्छा ग्रो करते हैं और वो बिलियन डॉलर कंपनी बन जाती है, तो उन लोगों का यू नो काफी अच्छा करियर। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल बिल्कुल, सुनील जी आपने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पर खुल गई है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो एक 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो शायद ज्यादा प्रोन है अपनी नौकरी चेंज करने के एज कंपेयर टू शायद जो अनुभवी जो इम्प्लॉयज है। अशांक जी क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्योंकि टैलेंट जो है वो वैसे भी अलग अलग कंपनीज को चाहिए। दूसरा, आपको क्या लगता है कि कंपनियां जो है टैलेंट को रिटेन करने के लिए, क्योंकि अच्छा टैलेंट हर कंपनी को चाहिए और कोई कंपनी नहीं चाहेगी जो उसका अच्छा टैलेंट है वो उसकी कंपनी से चला जाए किसी और बेटर और बिगर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो एक आईटी कंपनी को टैलेंट रिटेन करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, अभी जो एट्रिशन रेट की आपने बात की वो सिर्फ 3 से 5 एक्सपीरियंस का नहीं है, जो ट्रेनीज भी है जो 1 year 2 year है वहां से भी आज एट्रिशन हो रहा है, क्योंकि सब जगह जैसे मैंने बात की एक मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक बात होगी। अभी उन्हें रखने के लिए और एट्रिशन कम करने के लिए सारी आईटी कंपनियां अपनी तरफ से काम कर रही हैं और एचआरडी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका ज्यादा प्रेशर अभी एट्रिशन कम करने के लिए है। तो हम क्या करते हैं, एक तो सब लोग ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जब ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करोगे तो आप एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं इंटर्न्स के लिए और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए, तो वो एक बात हो गई। एक ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी आज चल रही है जिसकी वजह से हम नया अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे